उत्तराखंड मांगे सीबीआई, यूके डिमांड सीबीआई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में एक बार फिर धरना स्थल एकता विहार में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बोई पवार ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा राजनीतिक दलों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए अलग अलग कानून लागू किए जा रहे हैं। कल जहां प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं को शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करने के लिए गांधी पार्क में सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े कर दिए और युवाओं को वहां बैठने तक नहीं दिया गया, तो वहीं आज राजनीतिक दलों के लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। युवाओं की जायज मांगों को सरकार लगातार अनसुना कर रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार प्रदेश के युवाओं के बेहतर एवं सुरक्षित भविष्य के लिए पारदर्शी परीक्षा तंत्र विकसित करने और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित तमाम भर्ती परीक्षाएं जिनमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उन सभी की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वही पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाकर हजारों बेरोजगारों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। बॉबी ने कहा, हम कल भी अपनी मांगों को लेकर अडिग थे, आज भी अडिग हैं और जब तक सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर देती तब तक अडिग रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। धरनास्थल के लिए उचित स्थान न मिलने तक एकता विहार में सत्याग्रह जारी रहेगा, साथ ही समय समय पर शहर में प्रदर्शन भी किया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।